वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साइंस सरल पे। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट किया था, जो कि फर्टिलाइजेशन से पहले की प्रोसेस है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो उसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की। मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है द फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल। ओके, तो बट ओव्यूल हमने बना लिया, बट ओव्यूल होता कैसा है, उसके अंदर की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका डायग्राम अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है, तो आज साइंस सरल में हम इसी टॉपिक को सरल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, आप सभी जानते हैं आपके ओव्यूल होता क्या है और कहाँ मिलता है और कैसे बनता है, ये भी हम बात कर चुके हैं इस बारे में। तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की। देखिए, जो ये वाला पार्ट है पिस्टल का, इसको हमने ओव्यूल बोला, जो कि मेगा स्पोरोजेनेसिस के थ्रू बनता है, और इसकी स्ट्रक्चर है ये। सो वी कैन से दैट दिस डायग्राम इज द एनलार्जमेंट ऑफ दिस डायग्राम। ओके, तो इस पार्ट को हमने यहाँ पर एनलार्ज करके बना रखा है। सबसे पहले मोस्टली हमारे पास प्लांट्स में तीन तरीके के ओव्यूल हमें मिलते हैं। फर्स्ट इज एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस का मतलब है अगर कोई भी ओव्यूल इस तरीके से है, लाइक दिस, जैसे ये आपको उल्टा दिख रहा है, इसी को अगर मैं ऐसे बना दूं इस तरह से, तो ये आपको सीधा दिखेगा ऐसे करके, ठीक। तो कोई भी ओव्यूल जिसका ओपनिंग ऊपर की तरफ है उसको हम बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक। और दूसरा हमारे पास है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस का मतलब है कोई ओव्यूल जिसका भी जिसकी ओपनिंग नीचे की साइड है, लाइक दिस, इस तरह से। तो आप देख पा रहे हैं कि ये भी हमने इसकी जो ओपनिंग है वो नीचे की साइड बनाई है, इसका मतलब ये ऑर्थोट्रोपस टाइप का ओव्यूल है। तीसरा जो टर्म हमारे पास है वो है हेमीट्रोपस ओव्यूल। इसका मतलब है कोई भी ओव्यूल अगर इस तरीके से डायरेक्शन में है, लाइक दिस, ऐसे करके है, मतलब कि हॉरिजॉन्टली पॉइंट कर रहा है चीजों को, या तो इधर या इधर, इस डायरेक्शन के ओव्यूल्स को हम हेमीट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। तो ये प्लांट्स, ठीक। तो ये जो हमने टीएस बनाई है ये किसकी है, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल की है, डोंट फॉरगेट दिस वन। ओके, ऑर्थोट्रोपस। अब बिना देर किए हम लेबलिंग कर लेते हैं इसकी, ठीक। ये पूरा डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ टीएस ऑफ ओव्यूल, ठीक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से, जो इसका स्टॉक है, जो हम जिसको हम पेडिंकल बोल रहे थे फ्लावर में, जैसे पेडिंकल होती है उसी तरीके से इसको होल्ड करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉक लगा हुआ होता है। इस स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, फेनिकल, ठीक। फेनिकल, ये ई है फेनिकल। दिस ओपनिंग इज नोन एज माइक्रोपाइल ओपनिंग, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल एंड या माइक्रोपाइल ओपनिंग इसको बोल देते हैं। उसके बाद बात करें, ये जो ऊपर का पार्ट आपको दिख रहा है गोल है ना, फ्लैशी पार्ट, इसको बोला जाता है चलाजा। चलाजा नहीं, चला जा नहीं, इट्स चलाजा। ओके, तो प्रोनाउंस इसको ठीक से कीजिएगा, और स्पेलिंग इसकी ये है। उसके बाद बात करते हैं ये आपको जो छोटे छोटे फ्लैशी स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इस तरीके से, जो आगे जाकर हाइलम से कनेक्ट होते हैं, इसको थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ मैं, ठीक है। इस तरीके के जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं उसको बोला जाता है इंटेग्यूमेंट, ठीक है। ये इस डेलिकेट सेल की सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक, इंटेग्यूमेंट। आई होप इट इज विजिबल टू यू। इंटेग्यूमेंट्स के बाद जो ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जिसको मैंने थोड़ा सा ये वेब लाइक स्ट्रक्चर बना दिया है, जस्ट लाइक हनीकॉम, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं म्यूसेलस। ये एक कवरिंग है, ठीक, इट्स म्यूसेलस, ये एक कवरिंग है। और ये सारे पार्ट, चलाइजा, म्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट, ये इस पूरे इनर पार्ट की सेफ्टी के लिए हैं। और ये जो पूरा इनर पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, ये नाम आपने सुना हुआ होगा, इस पूरे को बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस पर एक पूरा का पूरा क्वेश्चन आ जाता है, जस्ट डिस्क्राइब या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एम्ब्रियो सैक। तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा और इसकी हर सेल की लेबलिंग करनी पड़ेगी, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेपरेट वीडियो बनाकर अच्छे से बताऊंगी। तो अभी जो हम पढ़ना है वो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, और अगर ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए है तो आप कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, माइक्रोपाइल एंड बोलते हैं इस ओपनिंग को, ये ओपनिंग है जहां से फर्टिलाइजेशन में पोलन ट्यूब एंट्री करती है। तो ये कह लीजिए
पूरे ओव्यूल में एंट्री करने का एक ही रास्ता है, वो क्या है, माइक्रोपाइल एंड। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे डोर लाइक फेनिकल इज द बेस, ओके। उसके बाद एम्ब्रियोसैक इज द मोस्ट डेलिकेट एंड द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ ओव्यूल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हैव इट्स रोल इन डबल फर्टिलाइजेशन। सो वी कैन से द डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अकर्स इन एम्ब्रियोसैक, ठीक। उसके बाद मैंने आपको बता दिया था कि चलाइजा, न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट ये सब गार्ड है इस डेलिकेट स्ट्रक्चर के। तो आई होप आज का जो ये छोटा सा डायग्राम था आपको समझ में आया होगा, एंड आई मस्ट टेल यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। तो इसको अच्छे से करिएगा और आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।